तो हम लोग के पास यहाँ पर काफी सारे हीरोज हैं और काफी अच्छे अच्छे हीरोज भी हैं हम लोग के पास, बट कुछ कुछ हीरोज ऐसे हैं जो कि हम लोग के पास नहीं है। यहाँ पर ये कुछ 5 हीरोज हैं जो कि हम लोग के पास नहीं है। लेट्स गो, हम लोग के पास एक गोल्ड क्रेट है यहाँ पर, और होपफुली इस गोल्ड क्रेट से हम लोग को कोई भी एक ऐसा हीरो मिल जाए जो कि हम लोग के पास नहीं है। अगर मिल जाता है ना भाई तो मैं पूरा पूरी खुश हो जाऊंगा। बस खाली कोई भी एक ऐसा हीरो मिल जाए जो कि हम लोग के पास नहीं है। और हमारा गोल्ड क्रेट ओपन हो गया है, और सबसे पहले हम लोग को मिला शेरी हीरो का कुछ कार्ड, फिर रेजर हीरो का कुछ कार्ड, और हम लोग को मिला रैंगो हीरो का कुछ कार्ड, और साथ ही में 40 गोल्ड। भाई कोई भी नया हीरो हम लोग को यहाँ पर नहीं मिला, तो कुछ उतना खास तो मिला नहीं हम लोग को गोल्ड क्रेट ओपन करने से। लेट्स गो, गेम खेलते हैं हमारे न्यू दिल्ली रॉयल के मैप के अंदर, और देखते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पर दिल्ली रॉयल मैप के अंदर मैच को विन कर पाते हैं या फिर नहीं। लॉबी वैसे काफी सही दिख रही है यहाँ पर, देखते हैं कि मैच के अंदर क्या सीन होता है। यहाँ पर भैया दो दो बंदे दिव्या हीरो लेकर के आए हैं लॉबी के अंदर। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पर हमारा आज का फर्स्ट मैच स्टार्ट हो गया है, और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं हमारे ब्रांड न्यू दिल्ली रॉयल के मैप के अंदर। और बात की जाए अपनी टीम की, तो भैया हमारे टीममेट के अंदर यहाँ पर दो दो बंदे जू का हीरो लेकर के हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है भाई। और इस वाले मैच के अंदर आते के साथ ही मैं पावर अप्स कलेक्ट करने लग गया था, और फिर जब मैं थोड़ा सा आगे के साइड में गया उतने में मुझे एक बंदा दिख जाता है, और मैंने इस बंदे को काफी अच्छा डैमेज दिया, बट मेरा टीममेट भी यहाँ पे साथ में था और इस टीममेट ने मेरा किल भी चोरी कर लिया। भैया यहाँ पर दो दो बंदे आ जाते हैं, दो क्या तीन तीन बंदे थे, बट एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया था। फिर उसके बाद ये जेन हीरो वाला बंदा बच रहा था, और हम लोगों ने मिल करके फाइनली यहाँ पर इस जेन हीरो वाले बंदे को मार दिया। भाई यहाँ पर भी मेरा किल चोरी हो गया था, बट सिर्फ थोड़े से के लिए बच गया, और ऊपर के जाते टाइम मुझे एक और बंदा दिख गया था जो कि रेजर हीरो लेकर के था। इस बंदे को भी हम लोगों ने डैमेज दिया और मेरे टीममेट ने यहाँ पर मार दिया। भाई बहुत ज्यादा किल चोरी हुआ था यार इस वाले मैच के अंदर मेरा। और अब यहाँ पर क्या ही तगड़ा फाइट होता, आप खाली देखिए, मुझे एक बंदा दिख जाता जो कि रैंगो हीरो लेकर के था। मैंने इस बंदे को काफी तगड़ा डैमेज दिया, उतने में इस बंदे का टीममेट आ जाता जो कि दिव्या हीरो लेकर के था, और मैंने इस दिव्या हीरो वाले बंदे को मार भी दिया। उसके बाद जो ये रैंगो हीरो वाला बंदा था, ये भैया यहाँ पर से इतना जल्दी यहाँ पर से भागा था ना, मैं इस बंदे का पूरा पूरी पीछे करते जा रहा हूँ। इस बंदे का मैंने हेल्थ बहुत कम किया, बट भाई ये बार बार यहाँ पर स्पीड वाले पावर अप का यूज करके यहाँ से भागे जा रहा था। और भैया यहाँ पर एक और दिव्या हीरो वाला बंदा आ गया था इस रैंगो हीरो वाले बंदे के साथ, और यहाँ पर जो एक और दिव्या हीरो वाला बंदा था मैंने उस बंदे को भी मार दिया। उसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ ये लास्ट रैंगो हीरो वाला बंदा बच रहा है, और मैंने इस बंदे को भी काफी तगड़ा डैमेज दिया यहाँ पर। और फिर से ये बंदा यहाँ पर से भाग रहा था। भाई ये बंदा लिटरली इतना ज्यादा भाग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं, ये बंदा मतलब मुझसे फाइट लेने के लिए राजी ही नहीं है भाई। बट फाइनली ऊपर जाकर के मैंने इस बंदे को भी मार दिया, यहाँ पर मैंने अकेले पूरा स्क्वाड को खत्म कर दिया भाई। और अब ऊपर की साइड जाते टाइम मुझे एक और बंदा दिख जाता है जो कि रैंगो हीरो लेकर के था। मैंने इस बंदे को काफी अच्छा डैमेज दिया मूवमेंट दिखा करके, और मैं काफी अच्छे से मार भी रहा था, बट मेरे पास पावर अप्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर से हटना पड़ गया भाई। और फिर मुझे क्या दिखता है कि भाई सारे के सारे बंदे मर गए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट का एक ही बंदा बच रहा है। और उतने में ये रैंगो हीरो वाला बंदा दोबारा से आ गया था, और मेरा हेल्थ यहाँ पर बहुत ही कम था, बट मैंने अपने वीर हीरो का काफी अच्छे से फायदा उठाया और इस बंदे को फाइनली यहाँ पर मार दिया। और हम लोगों ने आज के फर्स्ट मैच को विन भी कर लिया, तो हमारा सेकंड मैच स्टार्ट हो गया। और बात की जाए अपने टीममेट्स की, तो काफी सही सही टीममेट्स आए, एक बंदा जू का हीरो लेकर के और एक बंदा रैंगो हीरो लेकर के, और मैं यहाँ पर वीर हीरो लेकर के हूँ। काफी अच्छा यहाँ पर हम लोग का स्क्वाड बना हुआ है, बट सीन क्या हुआ कि भाई सारे के सारे बंदे यहाँ पर अपने से अलग अलग जाकर के खेल रहे थे। यहाँ पर भाई कोई भी बंदा साथ में रह करके खेल ही नहीं रहता। यहाँ पर जो मेरे दो टीममेट्स थे वो लोग एकदम अलग अलग चले गए, और मैं यहाँ पर अलग से ऊपर की साइड में आकर के पावर अप्स कलेक्ट कर रहा था, जिससे कि भाई बहुत बुरा सीन हो गया था। आप खाली देखिए यहाँ पर नीचे साइड जाते टाइम मुझे यहाँ पर काफी सारे बंदे दिख जाते, और मैंने इन सारे के सारे बंदे को डैमेज देने की कोशिश की, और मुझे एक और बंदा दिख जाता और मैंने इस बंदे को भी डैमेज दिया। बट भैया उतने में यहाँ पर पीछे की साइड से एक बंदा आ जाता जो कि डॉन हीरो लेकर के था, और यहाँ पर क्योंकि तीन तीन बंदे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर से भागने की कोशिश किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मरता हूँ तो मैं दोबारा से जिंदा भी नहीं हो सकता भाई। और जब मैं ऊपर की साइड में जा रहा था उतने में वो डॉन हीरो वाला बंदा दोबारा से यहाँ पर मेरे पीछे आ जाता, और मेरे पास यहाँ पर जरा सा भी पावर अप्स नहीं था, और फिर क्या था मैं यहाँ पर मर भी गया भाई। इस डॉन हीरो वाले बंदे ने मुझे आकर के मार दिया, और फिर जो मेरे टीममेट्स थे वो भी यहाँ पर जाकर के पता नहीं कहाँ पर जाकर के मर गए, और हमारा ये वाला मैच भी खत्म हो गया। मेरा भाई पूरा पूरी रैंडम प्लेयर्स लोग के ऊपर से भरोसा उठ गया है, और अब से मैं यहाँ पर रैंडम प्लेयर्स लोग के साथ गेम जल्दी नहीं खेलूंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक खुद का अपना लॉबी बनाया, और उस टाइम पर यहाँ पर जितने भी मेरे फ्रेंडलिस्ट से बंदे ऑनलाइन थे मैंने सारे के सारे बंदे लोगों को रिक्वेस्ट किया गेम खेलने के लिए। और अब आप भैया गेम प्ले देखिए, इस वाले मैच के अंदर इतना तगड़ा लेवल वाला गेम प्ले हुआ था ना कि आप भी देख कर ये कहेंगे भाई क्या ही गेम प्ले है ये। तो हमारा मैच स्टार्ट हो गया, और पता नहीं यहाँ पर क्या सीन हुआ भाई, हमारे लॉबी के अंदर तो एक बंदा दिव्या हीरो लेकर के था और एक बंदा यहाँ पर जू का हीरो लेकर के था,
बट यहाँ पर मैच के अंदर एक बंदा दिव्या हीरो लेकर गया वो तो ठीक है, बट ये किल शॉट हीरो वाला बंदा खास आ गया मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। और साथ ही में मैं यहाँ पर अपने टीममेट्स के साथ साथ आगे बढ़ रहा था, मैं अकेले नहीं जा रहा था क्योंकि इस वाले मैच को यहाँ पर मुझे विन भी करना था, इस वाले मैच को मैं यहाँ पर हारना नहीं चाहता था भाई। ऊपर की साइड जाते टाइम हम लोग को एक बंदा दिख जाता है जो कि रेजर हीरो लेकर गया था और हम लोगों ने इस वाले बंदे को मार भी दिया क्योंकि हम लोग यहाँ पर साथ में खेल रहे हैं ना, तो इसलिए बंदे लोगों को मारने में भी काफी ज्यादा आसानी हो जा रहा है क्योंकि भाई यहाँ पर तीनों के तीनों बंदे मिल करके मार रहे थे। और यहाँ पर भैया एक बंदा ऊपर की साइड से मेरे ऊपर फायर कर रहा था, बट मुझे सामने की साइड में एक बंदा दिख जाता है जो कि जू का हीरो लेकर के था और मैंने अपने वीर हीरो का यूज करके काफी अच्छा डैमेज दिया उस बंदे को, बट पता नहीं यार ये बंदा अचानक से कहां पर छूमंतर हो गया और मैंने इस जू का हीरो वाले बंदे को फिनिश आउट भी कर दिया और हम लोगों ने यहाँ पर मैच को विन भी कर लिया। वैसे यार थर्ड मैच हम लोगों ने काफी आसानी से विन कर लिया, उतना ज्यादा हम लोगों को मेहनत भी नहीं करना पड़ा और हम लोगों ने इजिली थर्ड मैच को विन भी कर लिया यहाँ पर। तो गाइज यार आज की इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए आप। जल्दी मिलते हैं हम लोग हमारे एक और ब्रांड न्यू गेमिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।